हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। भाई आज जाएंगे अकेले ऑफिस, और मैं भी तैयार हो गया हूँ, लेकिन मैं लेके जाऊँगा मम्मी को ऑफिस, क्योंकि आज मम्मी के भी मीटिंग है। मम्मी के मीटिंग के साथ साथ आज मम्मी के एक फ्रेंड स्टाफ का रिटायरमेंट भी है, तो मम्मी को वहाँ पर टाइम लगेगा। और मम्मी को वापस छोड़ने भी कौन आएगा, हमारे गाँव में कोई बस वगैरह तो आती नहीं है, इसलिए मैं मम्मी को लेके जाऊँगा और वापस छोड़ के भी आऊँगा। हम लोग लेके जा रहे हैं गाड़ी, क्योंकि गौशाला में जो गांव की तरफ से रसोई देते हैं, वो वाली रसोई का सामान लेके आना है। कल अमावस्या है, जो मैंने आपको पिछले कई वीडियो में बताया और कि तू अमावस्या को हमारे यहाँ पर गांव वाले मिल के रसोई देते हैं गायों को। तो गाइस, आज भाई अकेले जा रहे हैं। नवीन, दरवाजा तो खोल। तो गाइस, भाई आज अकेले जा रहे हैं काम पे, मैं जाऊंगा मम्मी को लेके। और ये जनाब को देखो, सबसे पहले मुझे डुमाओ, मुझे डुमाओ, टाटा जाओ। ये आ गया बाबू वापस। तो गाइज, मैं और मम्मी रवाना हो गए हैं, और मम्मी के फ्रेंड का रिटायरमेंट है, तो मम्मी के बार बार फोन आ रहे हैं कि अभी तक आए नहीं, अभी तक आए नहीं। अब जल्दी से वहां पे पहुंचते हैं। कैंसिल कर दे मैड, तगा देख ले रिटायरमेंट प्रोग्राम कैसे करते हैं, मेरा भी होगा तो वैसे करना है। गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं मेड़ता रोड, रेलवे फाटक क्रॉस कर रहे हैं। भाई हमारे पीछे पीछे चल रहे हैं, भाई को हमने पीछे छोड़ दिया। ये जा रहे हैं भाई, देखो 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 देखो, आगे निकाल के कितने खुश हो रहे। तो आज मम्मी की किस्मत अच्छी है, तीनों की तीनों रेलवे फाटक खुली है, जल्दी से जाके फंक्शन अटेंड कर पाएगी मम्मी, और मैं कोई बाकी काम होगा वो कर लूंगा। तो ये जा रही है मम्मी अपने हॉस्पिटल, और अपन भी चलते हैं वापस दुकान। गाइस, गाड़ी में सवारी की जगह पे हमने डाले हैं ये बोरे और गुड़ का कार्टून। ये है गायों की रसोई, आज लेके चलेंगे साथ में। तो गाइस, मैं और मम्मी वापस रवाना हो गए हैं, और भाई अभी तक काम पे ही है, और हम लोगों ने सामान ले रखा है भर के। पीछे से इसमें सीट फोल्डिंग वाला सिस्टम है, तो सीट फोल्ड करके पूरे चार बोरे और एक गुड़ का कार्टून डाल रखा है। तो हमारे इधर यही होता है, जब कोई बस वगैरह नहीं आती है तो फिर ऐसा ही करना पड़ता है। गाड़ी यहाँ चलती है दबा के, बाइक पे दो दो बोरे ले जाते हैं, ये तो कार है। मम्मी के सही है यार, आते टाइम भी फाटक खुले थे, जाते टाइम भी रेलवे फाटक खुले हुए हैं। तो गाइज, सामान यहाँ पे रख दिया हमने, अब हम लोग जा रहे हैं। इसको पहले आना है। ड्यूटी पे गए थे मीटिंग में। तो गाइज, अभी जल्दी आने का एक फायदा ये रहा, फ्रेंड की हेल्प हो जाएगी। मेथी के ऊपर ये पान में तो यहाँ पे सूखा ही हुई है, उसके ऊपर ये वाले मीणे जो है रात भर उसके ऊपर रहते हैं, ताकि बारिश या कोहरे का पानी उनको खराब ना करे।
कल अपन गए थे इनके, परसों अपन गए थे इनके खेत पे जहाँ पे पान मेथी थी। आज आए हैं इनके यहाँ पे, इसको ताली कहते हैं, ताली। ताली में पान मेथी को सुखाई हुई के ऊपर ढक्कन देने के लिए। ये है पान मेथी, देखो। कल ये लोग जाएंगे इसकी सेल करने के लिए, ये पूरी वापस उठाएंगे, ये 1 2 3 4 ये सारी वापस उठाएंगे। वाओ, पैराशूट, मैथियों का पैराशूट हो रहा है। ऐसा लग रहा है क्रिकेट के मैदान को ढक रहे हैं। तो अब चल रहे हैं घर पे। ये वाली मेथी को उड़ा दिया है क्योंकि ये सूखी हुई है, कल जाएगी बिकने के लिए। इस वाले को नहीं उड़ाया क्योंकि ये आज ही यहाँ पर बिछाई है, इसको 1 2 दिन, मतलब आज आज की रात मॉइस्चर के लिए खुला छोड़ेंगे। इसको उड़ा दिया क्योंकि कल बेचनी है, तो सही सलामत सुरक्षित रहेगी तो अच्छी रेट मिलेगी। तो गाइस खाना खाने के लिए आ गए हैं, खाना लग रहा है खाली खाली है, जल्दी से भर जाएगी, तो जल्दी से खाना खा लेते हैं। तो गाइज हम लोगों ने खा लिया है खाना और हम लोग हो गए खाना खा के फ्री। आज के व्लॉग में आपने देखा कि हम लोग लेके आए गायों के लिए रसोई लेके आए, उसके अंदर उनके लिए जो भी उनका गायों का खाना होता है वो, और गुड़ लेके आए थे जिसको कल अमावस्या के दिन लोग डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये रसोई जो है गाँव की तरफ से है, तो गाँव वाले लोग आते रहते हैं, डालते रहते हैं, तो काम हो जाता है। कभी कभार नहीं होता तो हम लोगों को जाना पड़ता है, मुझे और भाई को भी रुकना पड़ जाता है कई बार। आज तो भाई गए थे अकेले, लेकिन कल जाऊंगा मैं भी भाई के साथ। तो मिलते हैं कल सीधा साइट पे, तो मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। याहू याहू।